संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल की बातें सुन परदेशी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा मांगी। कई दिन व्यतीत हो गए। शिशुपाल इस घटना को लगभग भूल से गए। अचानक एक दिन शिशुपाल के घर का पता पूछते हुए कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उनकी समझ में नहीं आया कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुला भेजा है।